बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम जी। मैं अपनी एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस वीडियो में बीएड 2.5 इयर्स का एफिलिएटेड कॉलेजेस पेपर शेयर करूँगी क्रिटिकल थिंकिंग का, जो कि आया था 2020 में। अच्छा जी, ये है प्रपोज्ड पेपर 2020 बीएड ऑनर्स 2.5 इयर्स सेकेंडरी एजुकेशन प्रोग्राम सेकेंड सेमेस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड रिफ्लेक्टिंग प्रैक्टिसेस सेक्शन ए, 10 मार्क्स का, क्वेश्चन नंबर 1 का ए। चूज द करेक्ट आंसर 10 मार्क्स नंबर 1। मेटा कॉग्निशन इज अ डैश स्किल, ए रिसर्च, बी थिंकिंग, सी कम्युनिकेशन, डी सोशल। नंबर 2, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कैन बी हेल्पफुल व्हेन डैश, नंबर ए चेकिंग फैक्ट्स, बी एक्सप्लोरिंग आइडियाज, सी आर्गुइंग, डी सीकिंग सजेशंस। नंबर 3, विच ऑफ द फॉलोइंग मीन्स हैविंग गुड रीजंस फॉर आर्ग्यूमेंट, ए क्रिटिकल थिंकिंग, बी रूट मेमोराइजेशन, सी अंडरस्टैंडिंग, डी एप्लीकेशन। 4, रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन बी समराइज्ड एज लुकिंग डैश एट समथिंग, थिंकिंग अबाउट इट एंड लर्निंग फ्रॉम इट, ए अहेड, बी बैक, सी केयरफुली, डी मोरली। 5, इम्पेरिकल थिंकिंग डिपेंड्स ऑन डैश हैबिट्स, ए प्रेजेंट, बी पास्ट, सी फ्यूचर, डी रेगुलर। 6, वेन डायग्राम्स यूज डैश टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग सेट्स, ए ऑक्टागन, बी हेक्सागन, सी सर्कल, डी स्क्वायर। जी अच्छा, आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास इस एमसीक्यूज़ की आंसर की भी है, जो कि मैं इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। अच्छा, 7th है, डैश बिगिंस विद अ मेन आइडिया स्लैश कॉन्सेप्ट, ए आउटकम, बी ऑप्शन, सी कॉन्सेप्ट मैप, डी प्रिंसिपल। 8 एमसीक्यूज़ है, रिफ्लेक्शन इन एक्शन मीन्स टू रिफ्लेक्ट इन द डैश, ए पास्ट, बी फ्यूचर, सी प्रेजेंट, डी लिसनिंग। 9, पीटर हैज़ बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर दैन फ्रेड, दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ ए ऑब्जेक्टिव क्लेम, बी सब्जेक्टिव क्लेम, सी आर्ग्यूमेंट, डी इशू। अच्छा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में ये भी बता दूं कि इस तरह की एग्जाम्पल्स वाले एमसीक्यूज़ बहुत ज़्यादा एक दफ़ा आए थे, तो इस तरह की प्रैक्टिसेस भी आप करके जाइएगा। पूरी पूरी, मतलब के समझ लें कि पूरी पूरी सिचुएशन थी और उस पर सवाल किए गए थे, मगर चूँकि वो एमसीक्यूज़ का पेपर वापस ले लिया गया था, इसलिए मैं सही से एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगी। मगर इस तरह के एग्जाम्पल्स वाले एमसीक्यूज़ कभी कभार क्रिटिकल थिंकिंग के पेपर में आ जाते हैं। अच्छा, नंबर 10 है, न्यूमेरिक रीजनिंग टेस्ट रिक्वायर्स टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ए एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, बी स्टैटिस्टिक फिगर्स, सी आर्ग्यूमेंट्स, डी इंजीनियरिंग प्रिंसिपल्स। सेक्शन बी था 20 मार्क्स का, अटैम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 4 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, डिफाइन वेन डायग्राम्स विद एग्जाम्पल्स। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन क्रिटिकल थिंकिंग। क्वेश्चन नंबर 3, डिस्क्राइब ब्रेन स्टॉर्मिंग ब्रीफली, हाउ कैन इट बी यूज्ड इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द एट्रीब्यूट्स ऑफ अ क्रिटिकल थिंकर। क्वेश्चन नंबर 5, डिफरेंशिएट बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्सेस। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज कॉन्सेप्ट मैपिंग क्वेश्चन मार्क, राइट इट्स यूज इन द क्लासरूम। क्वेश्चन नंबर 7, डिफरेंशिएट बिटवीन ओपन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अच्छा जी, ये सेक्शन सी था, सेक्शन सी 30 मार्क्स का था। नोट, अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस सेक्शन, ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स। क्वेश्चन नंबर 1, एक्सप्लेन क्रिटिकल थिंकिंग, व्हाट आर द बैरियर्स टू क्रिटिकल थिंकिंग क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन नंबर 2, राइट अ
राइट अ क्रिटिकल एसे ऑन इन्वर्टेड कॉमास में लिखा हुआ है टीचर सेंटर्ड क्लासरूम्स, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज. क्वेश्चन नंबर 3, डिफाइन 4 स्टेप्स ऑफ सोक्रेटिक मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग विथ एग्जाम्पल्स. ड्रॉ अ फ्लो चार्ट टू इंडिकेट रिलेशनशिप ऑफ सोक्रेटिक मेथड विथ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी. क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन इन डिटेल द कॉन्सेप्ट ऑफ थ्योरिटिकल एंड एम्पेरिकल थिंकिंग. अच्छा जी, ये है आंसर, द आंसर की फॉर सेक्शन ए एमसीक्यूज. क्वेश्चन नंबर 1 का ए, चूज द करेक्ट आंसर, ब्रैकेट में लिखा हुआ है 10 मार्क्स का था ये एमसीक्यूज, 10 मार्क्स के थे. तो पहला है थिंकिंग, और क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 2 का आंसर है ए चेकिंग फैक्ट्स. नंबर 3 क्रिटिकल थिंकिंग ए. नंबर 4 रिफ्लेक्टिंग, रिफ्लेक्टिव राइटिंग कैन बी समराइज्ड एज लुकिंग, इसका जो आंसर था वो था बी. और 5 एम्पेरिकल थिंकिंग डिपेंड्स ऑन डैश पास्ट हैबिट्स. नंबर 6 वेन डायग्राम्स यूज डैश सर्कल्स टू इलस्ट्रेट द रिलेशनशिप अमंग सेट्स. अच्छा जी, ये क्वेश्चन एमसीक्यू 7 जो है, कॉन्सेप्ट मैप बिगिंस विद अ मेन आइडिया स्लैश कॉन्सेप्ट, सी इसका आंसर था. नंबर 8 रिफ्लेक्शन इन एक्शन मीन्स टू रिफ्लेक्ट इन द डैश प्रेजेंट, सी इसका राइट आंसर था. 11 पीटर हैज़ बेटर सेंस ऑफ ह्यूमर देन फ्रेड, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ ऑप्शन बी सब्जेक्टिव क्लेम. 12 न्यूमेरिक रीजनिंग टेस्ट रिक्वायर्स टू आंसर क्वेश्चंस बेस्ड ऑन ऑप्शन बी स्टैटिस्टिक फिगर्स. ठीक है जी, ये तो थी जी मेरी आज की वीडियो. अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा. इस वीडियो के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़.